दोस्तों क्विक जॉब अलॉट चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं शानदार जानकारियां जिसके मदद से आप अपना करियर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम आपको बताने वाले हैं कि नेवी एमआर को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने भी 10वीं पास कर लिया है और आप चाहते हैं कि हम इंडियन नेवी में अपना करियर बनाएँ और बहुत ही कम उम्र में हम इंडियन नेवी में अपना करियर बना सकें और अपने सपनों की ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर के आ चुके हैं यह बात बताने कि इंडियन नेवी में एमआर आप कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे आपके शैक्षणिक योग्यता की, तो एमआर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि अगर आप अपने 10वीं की परीक्षा को पास कर लिए हैं तो आप नेवी में एमआर बन सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी यह बात है कि शारीरिक मापदंड आपका कितना होना चाहिए, मतलब फिजिकल का क्राइटेरिया आपके पास कितना होना चाहिए। तो उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आपकी लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जो सीना का नाप है ये लंबाई के अनुपात में ही रहना चाहिए और सीने को 5 सेंटीमीटर फुलाना भी आपके लिए आवश्यक है। आयु सीमा इसमें सबसे बड़ा मैटर करती है कि एज आपका कितना होना चाहिए। तो जितने सारे विद्यार्थियों का जन्म सन 2000 से लेकर के 2004 तक के बीच में हुआ है, ऐसे सभी लोग नेवी एमआर के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और ऐसे सभी लोग नेवी एमआर का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेवी एमआर की भर्ती आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो स्टूडेंट, नेवी एमआर की भर्ती आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसकी चयन प्रक्रिया काफ़ी फास्ट होती है और रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फिजिकल और फिजिकल के बाद सीधे तौर पर आपकी मेरिट निकाल करके और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, जहाँ आप देखते होंगे कि अन्य सारी सरकारी नौकरियों में कि उसमें कितना ज़्यादा समय लगता है और रिजल्ट जल्दी आपका नहीं निकल पाता। लेकिन इंडियन नेवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सभी चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपकी एक्यूरेट टाइम टू टाइम होती है। तो सबसे पहली बात हम बात करें आपके कि इंडियन नेवी में आप किस तरीके से एमआर बन सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का आपके लिए वैकेंसी निकलती है और ये वैकेंसी आप लोगों की हर साल निकलती है और इस वैकेंसी का पता आप joinindiannavy.gov.in पर जाकर के भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी इससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ। अब बात होती है कि इसमें परीक्षा में प्रश्न कितने अंक के पूछे जाते हैं और टोटल आपका समय कितना रहता है। तो सबसे पहली बात हम बात करें आपके, तो परीक्षा में टोटल आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न का एक अंक आपका निर्धारित होता है। बात करें भारतीय नौसेना भर्ती 2022 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो सभी प्रश्न जो आपके होते हैं ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में पूछे जाते हैं। परीक्षा में जितने सारे आपके प्रश्न होते हैं सारे प्रकार के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं, मतलब MCQs प्रकार के होते हैं। बात करें आपके प्रश्न पत्र की, तो जो आपका प्रश्न पत्र होता है ये दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें से आपका पहला भाग होता है विज्ञान और गणित का तथा दूसरा भाग आपका सामान्य ज्ञान का होता है और सभी भागों से सभी प्रश्न जो होते हैं आपके एक एक नंबर के ही प्रश्न होते हैं। टोटल समय की बात करें तो इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास आधा घंटा का समय रहता है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी ली जाती है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें रहीं आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन का रिटन एग्जामिनेशन की परीक्षा को पास कर लिया है, तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होता है स्टूडेंट फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 7 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपसे 1600 मीटर दौड़ आपके लिए जाते हैं, मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ आपके लिए इसको 7 मिनट का समय दिया जाता है। इसके साथ ही साथ 20 उठक बैठक और 10 पुशअप भी लगाने होते हैं। तो ये जो रहा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण रहा, जो कि आप इंडियन नेवी में एमआर की परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन देने के बाद आपकी निकलती है फाइनल मेरिट लिस्ट और जो भी विद्यार्थी फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट उन्हीं का नाम आता है जिन्होंने अपने रिटन एग्जामिनेशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर लिया और आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया, तो याद रखिएगा आप इंडियन नेवी के
पर चयनित हो जाएंगे और वहाँ पर आप अपने करियर को बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।